नाजरीन हजरात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अहले बैत से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, लेकिन कैसे? ये नहीं कि दावा मोहब्बत का, किरदार यजीद का। दाड़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फेंक रहे हैं, कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं, औरतें बेपर्दा निकलकर मेलों में जा रही है, लड़कियां गलों में दुपट्टे लटका करके मेले ठेलों तक पहुंच रही है। मैं अहले बैत के मुहिब्बों से मुखातिब होकर एक बात कहना चाहता हूं, अरे तुम्हारा जवान बेटा अगर इंतकाल कर जाए तो क्या तुम बन सवर कर मेलों में जाओगी? अली अकबर की शहादत के दिन तुम्हें मेले नजर आते? अगर तुम्हारा मासूम बच्चा इंतकाल कर जाए तो क्या उस दिन तुम बन सवर करके बेपर्दा घूमने निकल जाओगी? मेरी बहनों, मासूम अली असगर की शहादत के दिन तुम गुनाह करते हो और उसके बाद फिर हमारे शहर में बांसुरी बेचने वालों की भीड़ होगी और हमारे नौजवान वो बांसुरियां बजाएंगे, जबकि यजीद का किरदार है कि यजीद बांसुरी बजाता था। हुसैनियों, ये मोहब्बत नहीं है। सिर्फ शरबत पिलाकर इजहार मोहब्बत नहीं होता, शरबत भी पिलाओ और किरदार हुसैन को भी कबूल करो। मेरा हुसैन कैसे किरदार वाला है? अपनी गुफ्तगू समेटते हुए, एक दिन 400 साथियों के साथ मौला हुसैन निकले हैं शहर मदीना में। साहिब रौदतुश्शोहदा लिखते हैं, मौला हुसैन इतने खूबसूरत थे कि पेशानी से नूर की किरणें निकलती थी, अंधेरे में भी कोई उनको बैठा हुआ देख के पहचान लेता था कि जिसके पेशानी से किरणें निकल रही वही हुसैन है, इसलिए कि हुसैन हसीन है और हसीन हुसैन है।